नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वालिया, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हेल्थियंस, आपको स्वागत करती हूँ आपको इस हेल्थियंस एजुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव में। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मिथ्स या फिर अफवाहें जो कोरोना वायरस के इर्द गिर्द फैली है। तो पहला मिथ है कि वैक्सीन जो निमोनिया या इन्फ्लुएंजा में लिया जाता है उससे हमें कोविड 19 पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कोविड 19 जो है वो एक नई वायरस है। अभी तक उसके खिलाफ जो वैक्सीन के लिए जो अभी जद्दोजहद चल रही है वो भी रिसर्च में है, अभी तक प्रॉपर वैक्सीन आया नहीं है। तो इन वैक्सीन से हमें कोविड 19 से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा मिथ है कि थर्मल स्कैनर्स जो कि आपका डिटेक्ट कर सकता है कि कोविड 19 पॉपुलेशन को, तो वो भी गलत है। वो सिर्फ उन पेशेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है जिसका टेम्परेचर मतलब 98 डिग्री से ऊपर है, यानी कि जिनको फीवर है या एक्टिव डिजीज है, लेकिन वो उन लोगों को मिस कर देंगे जो विंडो पीरियड में है, यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड बोल के एक चीज होती है जिसमें वायरस की एंट्री होके प्रॉपर सिम्टम्स आने तक हमें 2 से 14 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड है। तो उस समय क्या होगा कि बहुत से ऐसे लोग मिस हो जाएंगे जिनको अभी एक्टिव डिजीज नहीं है और उनका टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, तो हम उन कैरियर्स एसिम्टोमेटिक कैरियर्स को मिस कर देंगे थर्मल स्कैनर से। सो ओनली थर्मल स्कैनर्स आर नॉट इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग द कोविड 19 पर्सन। नेक्स्ट आपका जो मिथ आ रहा है वो है कि ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट, एक ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट आया है कि 20 या 22 सेकंड्स तक अगर आपने ब्रेथ होल्ड किया तो आप कोविड 19 को डिटेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर आप प्रॉपरली 20-22 सेकंड तक अपने सांस को रोक सकते हो बिना तकलीफ के, तो आपको कोविड 19 नहीं है। तो ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हो सकता है ऐसा ना कर पाए, या कोई अस्थमा या COPD का पेशेंट हो तो वो भी ना कर पाए। तो दिस इज नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड 19, लेबोरेटरी टेस्ट इज बेसिकली द कन्फर्मेटरी टेस्ट। उसके अलावा अल्कोहल पीने से कोविड 19 से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये भी गलत है। अल्कोहल ज्यादा पीने से उल्टा आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट डिजीज के लिए आप ससेप्टेबल हो जाएंगे, तो ये भी एक मिथ हो गया। फिर एक और है कि एंटीबायोटिक्स अगर आपने सेफ्टी के लिए ले लिया वो आपको कोविड 19 के लिए प्रोटेक्ट करेगी, तो कोविड 19 एक वायरस है, एंटीबायोटिक्स जो है वायरस को कभी मार नहीं सकती, वो बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट सक्सेसफुल होता है। जो हॉस्पिटल में हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि को एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एक और अफवाह है कि सिर्फ एल्डरली लोगों को कोविड 19 हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। किसी को भी यंग बंदा हो चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो, हर किसी को कोविड 19 पकड़ सकता है, ये वायरस किसी को नहीं बख्शता। दूसरी बात यह है कि सपोज आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और आपको हो सकता है एक्टिव डिजीज ना भी हो, या फिर हो भी तो माइल्ड फॉर्म में, आप उससे फाइट कर जाए, लेकिन आप अपने घर उस वायरस को ले जाके अपने उन लोगों को संक्रमित कर देंगे जो हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे कि आपके बूढ़े बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। बड़े बुजुर्ग में प्री एग्जिस्टिंग इलनेस होते हैं जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, ऐसे पेशेंट्स जो हैं ज़्यादा हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं, तो उनको भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन हर एज ग्रुप के बंदे को लेना है, और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए उन्हें फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का बोला जाए तो हमें कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि जो कफिंग या स्नीजिंग में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलती है वो 6 फीट तक जा सकती है, और अगर वो किसी सरफेस में टच हुआ या हमारे बॉडी पे गिरा और हम हमारे हाथ या कोई भी सरफेस ने टच किया, फिर हमने अपने हाथों से अपने मुंह को छुआ, तो हम उस वायरस को ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपको हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, बच्चों का भी, फैमिली का भी, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।